51,000 चयनित युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, नया भारत कर रहा है कमाल। आतंकवाद पर श्रीलंका ने कनाडा को दिखाया आईना। ट्रूडो को सुनाई खरी खरी, भारत का खुलकर किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने रहेंगे अमित खरे। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिला सेवा विस्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया राज्य में व्यावसायिक हुक्का बार बैन करने का ऐलान। रामलला का दर्शन करने आए अयोध्या आ सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। टीम के सदस्यों ने आचार्य से की मुलाकात। इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को टिकट देंगे मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद पर 3 अक्टूबर को सुनाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत संयुक्त सैन्य सिद्धांत पर काम कर रहा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लंदन। प्रवासी भारतीयों ने एयरपोर्ट पर किया गर्मजोशी से स्वागत। बीजेपी ने यूपी मॉडल के सहारे मध्य प्रदेश विजय का खेला दांव। कमजोर सीटों पर उतारे दिग्गज। भारत ने यूएनएससी में सुधार की दिशा में तेज के प्रयास। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। अंतिम दौरे में पहुंचा राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य। ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीर। कांग्रेस काल में बीमारू राज्य बन गया था मध्य प्रदेश, हमने वो कलंक मिटाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। यूपी में SC ST के हाई स्कूल के छात्रों को अब मिलेंगे 3500 रुपए छात्रवृत्ति। आयु सीमा भी हुई निर्धारित। पंजाब में हर व्यक्ति पर 12,000 रुपए का कर्ज। राज्य के बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने किया बड़ा दावा। कहा, मुझे तो आगे केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है। मेलागांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा का कांग्रेस पर हमला। कहा, इनके झूठ के चक्कर में मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने मुझे झूठे केस में फंसाया। एशियन गेम्स में भारत को मिला 12वां मेडल। नेहा ठाकुर ने रेसलिंग में जीता सिल्वर। फाइनल में पहुंची मेंस रिले टीम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी जोधपुर वासियों को बड़ी सौगातें। सरपुरा सफारी पार्क का किया लोकार्पण।